वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने बारामूला लोकसभा अपने हारने की जानकारी खुद साझा की और साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार अब्दुल रशीद को बधाई दी। अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे लगता है कि अब अपरिहार्य को स्वीकार करने का समय आ गया है। उत्तरी कश्मीर में जीत के लिए इंजीनियर रशीद को बधाई। मुझे विश्वास नहीं है कि उनकी जीत से जेल से उनकी रिहाई में तेजी आ जाएगी और न ही उत्तरी कश्मीर के लोगों को वह प्रतिनिधित्व मिलेगा जिनका उन्हें अधिकार है, लेकिन मतदाताओं ने अपनी बात रखी है और लोकतंत्र में यही सब मायने रखता है।